हो गया, तो जितना आप लोगों ने वेट किया है उतना इन्होंने भी वेट किया है। तो जो हमारा बेबी है वो हमारा बेबी आई है घर पे और रुचि के साथ छोटे नन्ना मेहमान भी आए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे अपने घर में। तो आज नए दिन की नई शुरुआत तो नहीं कहूँगा क्योंकि रुचि भी आ चुकी है अभी घर पे। तो पूरे पूरे 2 महीने 20-22 दिन रह के आई है रुचि अपने मम्मी के घर में, सासू माँ के घर में। और हमारे बेबी को पूरे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मतलब बहुत से सब्सक्राइबर्स और बहुत से मतलब प्यार इतना दिया आपने, तो यही कहना चाहूँगा कि अब वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जो सस्पेंस था, जो भी बना हुआ था, जितना भी सस्पेंस बना हुआ था 1 महीने तक, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मलमास भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसमें मलमास में दूर रहना पड़ता है, आप सभी को पता ही है उसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसी के चलते हुए हम दोनों दूर दूर थे और मतलब जो ब्लॉग थे वो भी नहीं बन पा रहे थे। तो अभी जब पास आ चुके हैं तो अभी ब्लॉग एक के बाद एक कंटिन्यूसली हम सोचते हैं कि ऐसा कि आते रहें है ना, और आपके लिए ऐसे ही इंटरटेन करते रहें। तो इसी के चलते हुए मैं बताता हूँ कि रुचि आई है घर पे और रुचि के साथ छोटे नन्ना मेहमान भी आए। तो आज मैं बताता हूँ नन्ना मेहमान कौन है और कैसा दिखता है और कैसा है, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि रुचि वहाँ थी मगर मैं देख नहीं पा रहा था उसे। मैं बहुत चिढ़ाती थी कि आपको देखने का मन नहीं कर रहा बेबी का, या फिर मुझे नहीं देखने का मन कर रहा, क्योंकि होता है यार अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल मतलब है ना। ऑलमोस्ट पूरे मतलब 1 महीने 20-22 दिन नहीं, मतलब बेबी के साथ तो एग्जैक्ट 1 महीने मुश्किल होता है कि आप पूरा 1 मंथ बिना बेबी के रहो, और मतलब जब से बॉर्न हुआ है 1 मंथ के अंदर बच्चा इतना डेवलप कर जाता है कि मतलब उसके सकल चेंजेस बहुत कुछ हो जाए जो कि आप मिस कर देते हो उसे। तो वो चीज तो मैं मिस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने बेबी को सिर्फ पहले दिन देखा था, पहले या दूसरे दिन, तब वो बहुत, मैंने बेबी को तब देखा था जब बॉर्न ही हुआ था, सीधा बॉर्न होके नर्सिस में सीधा हाथ में ही रखा था, तो तभी देखा था। वो बहुत छोटा था, काफी छोटा था, बट अभी तो वो ऐसा रहता है कि मतलब 1 महीने में काफी चेंजेस हो जाते हैं और पता नहीं लगता कि बेबी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपने वो चेंजेस मिस कर दिए, वो चेंजेस इन्होंने वो मिस कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं मिस किया क्योंकि मैंने हर दिन एक वीडियो एक फोटो भेजा ही है कि बेबी आज ये कर रहा है या फिर देखा। तो बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब जब देखता था कि हाँ भाई ये डेवलप हो रहा है, ये चीज सीख रही है, ये चीज कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बता दो कि मलमास 17 को ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से मेरा घर आने का प्लान था 18 अगस्त को, लेकिन फिर दोबारा से प्लान चेंज हुआ क्योंकि हम चाहते थे नामकरण के दिन ही घर आए, तो नामकरण फिर दोबारा से 23 अगस्त को हुआ, एग्जैक्ट 1 महीने में। एक्चुअली मैं बताता हूँ वो चीज़ें कि मतलब पहले प्लान हमारा ये था कि मलमास जब खत्म हो जाए तो तभी रुचि आए। तो रुचि का आने का प्लान 17 तारीख का था, तो 17 तारीख को पड़ रहा था हमारा जो हमने पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने बताया कि नामकरण की डेट है 18 और 23 की। तो 17 तारीख को मलमास खत्म हो गए थे, तो रुचि को मैंने फोन करके बोला कि रुचि 18 तारीख को और 23 तारीख को डेट दी है नामकरण की पंडित जी ने, तो तुम कब आ रहे हो। हाँ, क्या हुआ कि इन्होंने बोला 18 को आ जाना, लेकिन ये हुआ कि उस दिन थर्सडे पड़ रहा था, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि थर्सडे को कोई भी घर से बाहर नहीं जाता, मतलब घर के जो मेंबर्स होते हैं उसको बाहर नहीं जाते, बोलते हैं ना लक्ष्मी चले जाते हैं घर के पैसे में से, सब वो मतलब ऐसे मानते हैं शुरू से ही, तो इसलिए हम नहीं आ पाए। फिर हमने डिसाइड किया कि पापा को और 5 दिन दूर रखते बेबी से, और 23 तारीख की, जिसमें 23 तारीख को मतलब बेबी का नामकरण भी होना है और बेबी का वेलकम भी होना है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट वीडियोस आएंगी इसके बाद जो आप देखोगे, क्योंकि उसमें नामकरण की वीडियो और बेबी का वेलकम की वीडियो दोनों साथ में ही होगी। तो जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे हम डालते रहेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ, तो पहले बता देते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या है? हमारे पास क्या आया है और क्या मिला है हमें। तो मैं बता दूँ,
जो हमारा बेबी है वो हमारा बेबी गर्ल हाँ, है ना, तो हमारे हमारे घर घर में में बेटी आई आई है है। एक बेटी, एक लक्ष्मी आई हाँ है, एक नन्ही परी आई है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को इसका फेस, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा उसको देखने का। तो काफी टाइम से आप हम भी ये इंतजार चाहते कर हैं रहे कि हो। आप भी इंतजार, आपका भी इंतजार खत्म हो हाँ जल्दी से, और क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा है देखने के लिए, तो इसी के चलते हुए आपको भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो इसी के लिए जितना आप मैं लोगों ने वेट किया है हाँ उतना इन्होंने भी वेट किया है। तो हाँ तो अब वेट होता है खत्म, और हाँ आप सभी को दिखाते हैं, आप फेस रिवील करते हैं, आप सभी को दिखाएंगे कैसी दिखती है हमारी बेटी, और हमने उसका नाम क्या रखा है, तो नामकरण के दिन ही बताएंगे आपको, तो अभी रिवील करते हैं उसका फेस, है हाँ तो ना। मेरे को देख रही होंगे, मैं बार बार इधर क्यों देख रही, क्योंकि वो वहीं पे लेटी हुई है, इसलिए लेके आती हूँ मैं उसको। हमारी नन्ही तो यहाँ परी पर आ चुकी है हमारी नन्ही परी, ये और ये देखो है हमारी नन्ही परी, है बहुत ही छोटी और बहुत ही क्यूट है ना, और अभी उसको नींद भी आ रही अभी नींद आ रही है है ना, उसको। तो उसको नींद से थोड़ा सा मतलब नींद में ले जाते हैं फिर से, और वो सोने के लिए जा रही है, तो अभी सुला देते हैं, है ना। हाँ अभी सुला देते इसको हाँ, कहीं पे, कोई नहीं यही सोचाएगी है। और और काफी लोगों का कमेंट्स भी आया था कि मतलब रुचि की बेटा होगा बेटा होगा, बट हमें बेटी हुई है, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा है कि मतलब बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है हमारे घर में, और बहुत ही अच्छा है ना। और आप लोग को एकदम से 1 महीने बाद दिखा रही हूँ मैं इसको, तो आप लोग अभी को बड़ी हो चुकी है काफी, तो इसका फोटो हम शेयर करेंगे पुराने बचपन का वाली में, बचपन का, वो बचपन ही आमी है मतलब जब न्यू बॉर्न जब की पैदा फोटो, हुई थी हाँ तब न्यू हम बॉर्न की लगा फोटो देंगे है, साइड में। और अब ये इतनी बड़ी हो गई है ना, है ना इसकी शक्ल देखिए, ये किस पे गई है, ठीक है, ये मेरे पे गई है। तो कह रहा है कि हमारी बेटी इन पे गई है, और मेरा कहना है मेरे पे गई है। तो आप कमेंट करके बताना ये किस पे गई है ना। चलो गई ना गई किसी पे भी मतलब बहुत बढ़िया, सुंदर अच्छा है, सुंदर है, बड़ा तो खुश हूँ। है मेरी तरह। तो इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का, इंफॉर्मेशन वीडियो का एंड करते हैं, कि आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और हमारी बेटी भी अच्छी लगी हो, है ना, और बेटी तो सो रही है। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं अलविदा, और और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और यूं ही प्यार देते रहिए हमारे ब्लॉग को, और देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस भट्ट को। बाय। Shipa, kuch kuch tum, kuch kuch tum, shipa.